नमस्कार, टेक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और माफी चाहता हूँ, कल टेक न्यूज़ नहीं दे पाया था क्योंकि कल कुछ खास टेक न्यूज़ ही नहीं था, तो इसीलिए नहीं दिया था। तो शुरू करते हैं हमारा डेली टेक न्यूज़। तो सैमसंग का गैलेक्सी C5 Pro जुबा में लिस्टिंग हो गया है। जी हाँ, आप फोटो में देख सकते हैं, ये बेंगलोर का कुछ दिख रहा है। हाँ, इंडिया टेस्टिंग के लिए आया है। तो इसमें क्या कुछ पता चलता है उसके बाद थोड़ा सा बता देता हूँ कि C5 Pro और C7 Pro दोनों आने वाले हैं दिसंबर में। और प्रोसेसर की बात करते हैं, 625 का प्रोसेसर इसमें शायद से मिल सकता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो HTC का HTC Desire 10 Pro इंडिया में 24 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। तो उसके बारे में बताता है क्या कुछ मिलता है, उसका स्पेसिफिकेशन बताते हैं। तो स्क्रीन की बात करते हैं, तो 5.5 इंच का फुल HD स्क्रीन मिला है इसमें आपको, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी इसमें आपको मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो 1.8 GHz का MediaTek का हिलियो P10 प्रोसेसर इसमें मिला है। जी हाँ, P10 प्रोसेसर इसमें मिल रहा है और मालिका GPU मिलेगा। रैम रोम की बात करते हैं, तो 4 GB की रैम के साथ आएगा और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ही आएगा। और ये एक्सपांड हो सकता है, 2 TB तक ये एक्सपांड हो सकता है। अब कैमरे की बात करते हैं, तो पीछे की तरफ रियर कैमरा जो मिल रहा है 20 MP का मिल रहा है, और फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको मिल रहा है 13 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल रहा है यहाँ पे आपको। और क्या कुछ मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, एंड्रॉइड 7.0 के ऊपर ही आ रहा है, 4G मिलेगा, वोल्टी मिलेगा। और बैटरी की बात करते हैं, 3000 mAh का इसमें आपको बैटरी मिलेगा। अब कलर की बात करते हैं, तो ब्लैक और ग्रे कलर और व्हाइट कलर में ये आपको अवेलेबल हो सकता है। और कीमत अभी तक पता नहीं चला है, 24 को शायद से ये पता चल जाएगा। तो HTC का HTC 10 Evo अनाउंस हो गया है। जी हाँ, वाटर रेजिस्टेंस वाला फ़ोन है, बहुत देर से आने वाला था, ये अनाउंस हो गया है। इंडिया में कब आएगा पता नहीं है, लेकिन जल्दी से अनाउंस हो गया। तो उसके बारे में बता देता हूँ क्या कुछ मिलता है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो स्क्रीन की बात करते हैं, तो 5.5 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले मिलेगा। जी हाँ, क्वाड HD डिस्प्ले मिलेगा विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन इसमें मिलेगा। प्रोसेसर की बात करते हैं, तो कुछ खासा प्रोसेसर नहीं है, 810 प्रोसेसर मिला है। जी हाँ, बहुत पुराना प्रोसेसर 810 प्रोसेसर यहाँ पे मिल रहा है, अभी 821 मिल रहा है, और यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं 810 प्रोसेसर दे रहे हैं। एडिनो का GPU मिल जाएगा इसमें आपको। रैम रोम की बात करते, तो अब रैम रोम की बात करते हैं, तो 3 GB का रैम मिलेगा, और वेरिएंट स्टोरेज वेरिएंट दो यहाँ पे है। तो 3 GB की रैम 32 GB स्टोरेज और 3 GB का रैम 64 GB स्टोरेज, दो स्टोरेज में आपको मिल जाए। कैमरे की बात करते हैं, तो 16 और 8 का कैमरा कॉम्बिनेशन है, तो 16 MP का रियर कैमरा मिलेगा और 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा। और क्या कुछ मिल रहा है, एंड्रॉइड 7.0 के ऊपर ही आ रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, वाटर रेजिस्टेंस है, IP67 वाला है वाटर रेजिस्टेंस, 4G मिलेगा, वोल्टी मिलेगा। और बैटरी की बात करते हैं, 3200 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है। अब बात करते हैं कलर के बारे में, तो ये गोल्ड और सिल्वर दो कलर में अवेलेबल हो जाएगा। और कीमत की बात करते हैं, जो अभी एक्सपेक्टेड प्राइस रखा गया है इंडियन के हिसाब से, तो 32 GB वाला जो वेरियंट है उसका जो कीमत है 38,500। जी हाँ, 38,500 है, जो कि 810 प्रोसेसर में आ रहा है। और 64 GB का जो कीमत है उसका 42,000 उसका कीमत है। तो लिनोवो का लिनोवो वाइब K6 पावर एक फ़ोन इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जी हाँ, लिनोवो का वाइब K6 पावर बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो उसके बारे में बता देता हूँ क्या कुछ मिलता है, उसका स्पेसिफिकेशन बता देते हैं। 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा इसमें आपको। स्क्रीन की बात करते हैं, तो 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा इसमें आपको। जी हाँ, 1080p वाला डिस्प्ले मिल रहा है। अब प्रोसेसर की बात करते हैं, तो क्वालकॉम का 430 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिला है। जी हाँ, जो Redmi 3S में लगा हुआ है वो वाला प्रोसेसर मिला, 430 प्रोसेसर मिलेगा इसमें आपको। तो शायद से जो बजट मुझे लगता है 10,000 के अंदर आएगा शायद से ये। और रैम रोम की बात करें, तो यहाँ पे आपको दो वेरियंट मिलेगा रैम रोम में, एक 2 और 16। तो 2 GB का रैम मिलेगा, 16 GB का स्टोरेज के साथ आएगा, और दूसरा जो वेरियंट आएगा 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ ये आएगा। अब बात करते हैं कैमरे के ऊपर, तो 13 और 8 MP का कैमरा कॉम्बिनेशन है, तो 13 MP का रियर कैमरा है और 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा इसमें आपको मिल जाएगा। और क्या कुछ मिल रहा है, तो 4G मिल रहा है, वोल्टी मिल रहा है, फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे मिल रहा है, और एंड्रॉइड मास मिलो के ऊपर ये आएगा। अब बैटरी की बात करते हैं, तो 4000 mAh का इसमें आपको बैटरी मिलेगा। और कीमत की बात करते हैं, जैसे कि मैं बताया था पहले, तो कीमत जो लगता है 10,000 के नीचे ही इसका कीमत आएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लिनोवो का जूक एज बहुत जल्दी आने वाला है, लॉन्च होने वाला है। तो उसका जैसे कि पता होगा पहले व्हाइट कलर में अवेलेबल था, अब कुछ रियल इमेजेस ब्लैक कलर में आ गया है, आप देख सकते हैं। तो एज नाम है लेकिन एज जैसा दिखता नहीं है, नॉर्मल फोन जैसा दिखता है, लेकिन 821 प्रोसेसर के साथ आएगा, 6 GB का रैम हो सकता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो और अब ये अब रियल इमेज आप देख सकते हैं कैसा दिखता है ब्लैक कलर का, ये देखिए, शायद से वो जो ब्लैक कलर का है वही जूक एज है लिनोवो का। तो अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि गूगल प्ले ऐप में रहता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अर्ली 2017 में जो स्टार्टिंग होगा 2017 का, उसमें एंड्रॉइड का जो 2.3 जिंजर बीड है, और हॉनीकॉम जो आया था टैबलेट के लिए, लिमिटेड एडिशन था टैबलेट के लिए, वैसे निकाला था एंड्रॉइड ने, उसके ऊपर गूगल प्ले शटडाउन हो जाएगा। जी हाँ, गूगल प्ले बंद होने वाला है उसके ऊपर 2017 का अर्ली से, स्टार्टिंग से ही।
तो आज का आखिरी टेक न्यूज ले लेते हैं ओला और उबर के बारे में। जी हाँ, दोनों के बारे में आखिरी टेक न्यूज लेते हैं। तो पहले बात करते हैं उबर के बारे में। तो उबर ने यहाँ पे एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। क्या क्या है वो कि आप जब देते हैं रेटिंग देते हैं, जो आपका उबर उबर कैब में जो ड्राइवर रहते हैं उनका जो रेटिंग देते हैं, आप स्टिकर लगा के भी आप दे सकते हैं। यहाँ बहुत तरह के इमोजी के स्टाइल का स्टिकर आएगा और उसको यूज करके आप उनको रेटिंग दे सकते हैं। आप बात करते हैं ओला के बारे में। तो ओला ने ओला प्ले लॉन्च कर दिया है। तो ओला प्ले क्या है, ये एक ऐप है जिसमें आपको आप जो कैब में राइड कर रहे हैं उस कैब का म्यूजिक फीचर, एसी फीचर, ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में और भी कुछ कुछ उसके साथ एनहांसमेंट देखने को मिल सकता है। तो बस आज के टेक न्यूज में इतना ही। टेक पॉइंट के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो बड़ा सा लाइक दीजिए, और इसी तरह टेक न्यूज रोजाना देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन में मिल जाएगा और नीचे भी मिल जाएगा, तो जहाँ जहाँ आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।